नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 डॉक्टर मनोहरे के गणित से अध्याय 8A का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, क्योंकि जो है 1, 2, 3 बता चुके हैं, चौथा, पांचवा, छठवां नहीं बताए थे, तो इसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण सी समकोण है यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो साइन बी टेन बी और जो है कास ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे करेंगे आप लोग जानते भी होंगे, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, अब हमने जो है इसके अकॉर्डिंग जैसे कोई क्वेश्चन कहा है वैसे हमने जो है क्या किया, त्रिभुज बना लिया। कहा गया है कि कोण सी जो है क्या है, समकोण है, और जो है AC भुजा 10 सेंटीमीटर है, BC भुजा जो है 24 सेंटीमीटर है, और AB भुजा जो है 26 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, तो कह रहा है कि साइन बी का मान बताइए। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे देखिए साइन बी का मतलब कि इस कोण के बारे में कहा जा रहा है। तो जब इस कोण के बारे में कहा जाएगा तो जस्ट इसके सामने के जो भी भुजा दिखेगा वह होगा लंब। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, मतलब जिस कोण के लिए कहा जाए तो उसके सामने का भुजा लंब डिफाइन करते हैं। ठीक है, और देखिए 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है ये परमानेंट के लिए, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है हमेशा हमेशा के लिए ये कर्ण होता है। ठीक है, ये नहीं बदलता है। ठीक है, सिर्फ ये और ये बदलता है, जैसे कि अगर कोण ए के लिए कहा जाए तो लंब ए हो जाएगा, ठीक है, ये BC लंब हो जाएगा, लेकिन जब कोण बी के लिए कहा जाए तो जो है लंब ए होगा और आधार ए हो जाएगा। ठीक है, यही जो है चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन कर्ण जो है फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वह कर्ण होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल कर देते हैं। तो हल में जो है लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, लिख दीजिएगा कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और AB बराबर जो है दिया हुआ है कितना, तो AB बराबर देखिए कितना दिया है, तो AB बराबर दिया है 26। ठीक है, 26, और AC का मान दिया हुआ है आपका कितना, तो AC का मान आपका जो है दिया हुआ है, AC का मान 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर में नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, और BC का मान जो है आपका दिया हुआ है कितना, तो जो है 24। ठीक है, तो अब इसमें जो हम लोग को जो है मान बताना है किसका, टेन साइन बी का। तो साइन बी बराबर जो है क्या हो जाएगा, तो साइन बी बराबर हम लोग जानते हैंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है साइन बी का, तो त्रिकोणमिति अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है ना, तो लंब बटे कर्ण करेंगे तो लंब जो है क्या है साइन बी के हिसाब से, माने इस कोण के हिसाब से लंब जो है 10 है। ठीक है, और आधार कर्ण क्या है, तो कर्ण जो है 26 है। ठीक है, तो 10/26 हो जाएगा। इसको हम लोग काट के छोटा भी कर सकते हैं, सरल भी कर सकते हैं, तो 2 5 2 5 10 हो जाएगा, 2 13 26 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/13। ठीक है, तो 5/13 ये हो जाएगा साइन बी का मान। इस प्रकार टेन बी का मान पूछ रहा है, तो टेन बी का मान क्या होगा, तो देखिए टेन बी, अब आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात याद होना चाहिए कि टेन बी बराबर क्या होता है, तो लंब आप बटे जो है आधार होता है। ठीक है, तो लंब आप बटे आधार कर देना है, तो लंब कितना है, तो इसके हिसाब से लंब है 10 और आधार कितना है, तो है 24, तो 10/24 कर देंगे। ये भी जो है 2 से कर सकता है, 2 5 10 आ 2 12 24, तो ये भी हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं तो क्या मान पूछा है, तो अब पूछा है कास ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कास ए बराबर जो है क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए कास ए का मतलब हो गया कि टेन, मैंने अब कोण इस कोण के बारे में बात कहा जा रहा है, मैंने इस कोण के हिसाब से जो है करना है। तो इस कोण के हिसाब से हम लोग देखें तो इसके सामने का जो भुजा है BC यह होगा लंब, यह जो है क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और तब ये हो जाएगा आधार। ठीक है, मतलब मने में आप लोग मान लीजिएगा कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो जब कास ए का मान लिखेंगे तो कास ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे
काश ए बराबर आधार बटे कर्ण, लंब नहीं होता है कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण कर देंगे, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार जो है कितना होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग जो है आधार, तो कोण ए के हिसाब से आधार ए होगा ना, आधार ए हो जाएगा, यानी कि ए सी आधार हो जाएगा, यानी कि आधार हो गया 10, तो आधार हो गया 10, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 10 आधार अब बटे कोण, तो कोण हो गया 26, तो ठीक है, तो कोण हो गया 26, तो अब इसको जो काट दीजिए, 2 5 10, 2 13 26, तो ये हो जाएगा 5 बटे 13, तो जो है काश ए का मान कितना हो गया, 5 बटे 13, तो इस प्रकार ये जो है आपका जो है आंसर हो जाएगा, ये टोटल ही आपका आंसर हो गया, तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ठीक है, टोटल ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर है बी सी बराबर 1 है, ठीक है, यानी कि ए बी बी सी जो है भुजा 1 के बराबर है, और ए सी जो है अंडर रूट 2 सेंटीमीटर है, तो साइन ए टेन सी के मान बताइए, ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी जो है सरल है, ऐसे ही है, तो आइए देख लेते हैं इसको पांचवा को कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि जो है बी को समकोण रखना है, ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है, बी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, तो इसमें कहा गया है कि बी समकोण है और जो है ए बी का मान 1 सेंटीमीटर है, तो हमने जो है ए बी का मान 1 सेंटीमीटर ले लिया, और बी सी ए हो गया सी है ना, ये सी, तो अब बी सी का मान जो है 1 रखना है, ठीक है, मैंने ए बी और बी सी 1 है, और ए सी का मान जो है √3 रखना है, √2 रखना है, ठीक है ना, तो अब हम लोग को जो है क्या ज्ञात करना है, अब हम लोग को साइन ए क्या ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात करना है, उसके बाद से जो है टेन सी ज्ञात करना है, उसके बाद से जो है बस साइन ए और टेन सी का मान बता देना है हम लोगों को, ठीक है, तो साइन ए का मान जो है क्या होगा बच्चे, तो यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर अभी हम लोग जो है जाने हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, ऊपर पढ़े भी है, ठीक है, और इससे पहले आप लोग बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, सारा सूत्र उसमें दिया है, ठीक है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण हो गया, तो लंब बटे कर्ण, अब देखिए साइन ए के हिसाब से साइन ए कहाँ है, यानी कि कोण ए यहाँ पे है, तो कोण ए के हिसाब से देखा जाए तो इसके सामने का जो भुजा है ये लंब होगा, ठीक है, और ये आधार हो जाएगा, ठीक है, और जो है कर्ण फिक्स होता है कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वह कर्ण होगी, ठीक है, तो ये कर्ण होगा, होगा ना, तो अब यहाँ पे देखिए तो साइन ए के हिसाब से, ए के हिसाब से लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया आपका 1, और कर्ण कितना हो गया √2, ठीक है, तो 1 बटे √2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो है टेन सी का मान निकालते हैं, तो टेन सी का मान का मतलब कि कोण सी के हिसाब से जो है लंब क्या होगा, तो कोण सी के हिसाब से लंब ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए भी लंब हो जाएगा, ठीक है, और जो है आधार तब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ठीक है, मैंने ये जो है आप लोगों को नहीं लिखना है ऐसे, आप लोग बस मानिएगा कि टेन सी लीजिएगा तो सी के लिए जो है लंब ए ले लीजिएगा और आधार ये ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है, तो टेन सी बराबर जो है, अब लंब टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन सी बराबर क्या होगा, तो लंब मैंने टेन थीटा कहिए चाहे टेन सी कहिए, साइन थीटा कहिए चाहे साइन ए कहिए, ठीक है ना, तो जो है टेन सी का मतलब हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब अब बटे में हो जाएगा आधार, तो लंब और बटे में आधार को मतलब हो गया लंब, इसके हिसाब से टेन सी के हिसाब से जो है लंब ए हो गया 1, और आधार कितना हो गया, तो आधार भी 1 ही है, तो 1 बटे 1 का मतलब 1, ठीक है, तो इन दोनों का मान निकल गया, साइन ए का मान 1 बटे √2 और टेन सी का मान जो है 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो काश पी टेन पी तथा काश आर के जो है मान बताइए, ठीक है ना दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हमने जो है ये त्रिभुज बना दिया है, त्रिभुज बनाया है, यहाँ पे जो है कहा गया है कि क्यू जो है 90 डिग्री का रखिए, समकोण का मतलब 90 डिग्री का रखिए, और पी क्यू 4 सेंटीमीटर रख दीजिए, और आर क्यू जो है 3 सेंटीमीटर रखिए, और जो है आर पी का मान 5 सेंटीमीटर रख दीजिए, और इसके हिसाब से आप बताइए कि कास पी का मान कितना होगा, तो कास पी का मतलब यानी कि इस कोण का बात कर रहा है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये लंब होगी, ठीक है, और जो है ये इसके सामने का भुजा लंब होगा, और 90 डिग्री सामने का भुजा कर्ण होगा, तो आधार कौन होगा भाई, यही ना होगा,
तो देखिए अब जो है इसमें हम लोग जो कास पी बताना है, तो कास पी का मतलब होता है कि आधार बटे कोण, माने कास पी कास थीटा का मान क्या होता है, तो आधार माने कास थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, तो आधार अब बटे में जो है होगा कोण, होगा ना, तो जो आधार बटे कोण, तो आधार कितना है इसके हिसाब से, आधार 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे 4, अब बटे कोण कितना है तो 5 है, तो 5, तो 4/5, ये हो गया कास पी का मान। ठीक है, अब टेन पी का मान देखिए, तो टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब अब बटे में जो है कर दीजिए आधार, तो जो है यहाँ पे जो है लंब कितना है, तो इसके हिसाब से जो है लंब है 3 और आधार कितना है 4, तो लंब बटे आधार यानी कि 3/4, और उसके बाद से कास आर, तो आर के हिसाब से, आर के हिसाब से अब लंब ए हो जाएगा, तो कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, सबसे पहले कास बराबर क्या होता है तो आधार अब बटे में होता है कर्ण। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से जो है ये लंब है, तो जो है ये हो जाएगा आधार, तो आधार आपका 3 हो जाएगा, और जो है कर्ण फिक्स होता है तो कर्ण 5 हो जाएगा, तो 3/5 जो है आपका जो है कास आर का मान हो जाएगा, बस इतना ही पूछा था। तो इसमें जो है लघु, ये जो है आपका जो है कौन सा क्वेश्चन था, अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है यहीं तक से 6 तक। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर और 6 तक, 1, 2, 3 इससे पहले बता चुके हैं दोस्तों, तो उसको आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।